गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोटस फ्लावर बनाने वाले हैं पेपर से। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने प्लेन पेपर से एक सर्कल काट लिया है और ये स्ट्रिप्स काट लिए हैं। और ये स्ट्रिप्स छोटे बड़े काटे हैं मैंने, लेंथ में, चौड़ाई में, बहुत जितना आप चाहे उतना ले सकते हैं, बट मैंने लंबाई में इसको कम काटा है और इसको छोटा बड़ा काट लिया है। इसको मैंने 5 साइज में काटा है, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी 3 हैं और 2 मैं बाद में काटने वाली हूँ। और इसी को हम इससे हम लीफ बनाएंगे इसकी, ठीक है। ये हमारा चौड़े वाला था, फिर पतले वाला है, फिर से पतले वाला है। और ये बहुत सारे बनाने हैं हमको, उसके बाद हम इस पर ज्वाइंट करेंगे। एंड इसको शेप ऐसे देनी जैसे मैं दे रही हूँ उस टाइम पे, पत्ती की तरह इसकी शेप देनी है, इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे काटा है। ऐसे ही आप सारे पत्तियों को काट लें। अगर साइज में थोड़ा हल्का फुल्का फर्क आता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें लीफ बनाने हैं इसके ऐसे ही। ये बड़ा वाला जो पेपर था मैंने उससे बनाया, फिर छोटे वाले से बनाएंगे, फिर उससे छोटे वाले से बनाएंगे। और क्या करना है, एक बार हमें सीधा काटना है और एक बार उल्टा काटना है, इससे कि हमारा पेपर भी बचेगा और बहुत सारी लीफ भी बन जाएंगी इसके अंदर। इस तरीके से हमने शेप दे के इसको काट लेना है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही हमने जितने भी स्ट्रिप्स काटे हुए हैं सबसे ही हम इसकी लीफ निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं, मैंने ये पतले वाला जो था उससे मैंने निकाले, एक सीधा है और एक उल्टा, वैसे निकालेंगे तो हमारी ज़्यादा लीफ निकल जाएंगी। ये साइज 5 साइज का मैंने काटा है, देख सकते हैं, छोटे से बड़ा है। उसके बाद ये जो हमने सर्कल काटा था इसको गोलाई में काट लेंगे, जैसे हम रोज बनाने के लिए काटते हैं वैसे ही इसको काट लेंगे। बट इसको पतला पतला काटेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं काटेंगे, इसको पतला पतला ही काटेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं काटेंगे। और ये जो सर्कल है इसको थोड़ा बड़ा ही बनाएं, क्योंकि हम इसमें लोटस की लीफ लगाएंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए इसको जब भी बनाएं तो सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाएं। छोटा सा सर्कल नहीं होना चाहिए, बड़ा सा सर्कल होना चाहिए इसके लिए, लोटस बनाने के लिए। और इसके बाद ये जो आप देख रहे कॉर्नर से, इसका ये जो स्टार्ट पॉइंट है वहां से हम इसको पतला पतला सा और अंदर की साइड काट लेंगे। यहीं से हम पतला पतला और थोड़ा सा काट लेंगे इस पेपर को, पूरे ही सर्कल पे काट लेना, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम इसको पतला पतला काट लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने बीच से काट लिया है और ये कुछ ऐसा बन के आया है हमारा। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको, ये जो हमने पत्तियाँ काटी थी इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये ग्लूस लगाएंगे और ये जो पत्तियाँ हैं इसको हम नीचे से लेंगे, ऊपर से नहीं लगाना है हमें। ये ग्लू लगाने के बाद हम इसके जो पत्तियाँ हैं उसको नीचे के साइड से लेंगे, ऊपर से नहीं रखेंगे, नीचे से ऐसे रखेंगे। जो हमारी फर्स्ट वाली जो लेयर है वो नीचे के साइड से बनेगी और नीचे से बनते हुए ही ऊपर तक आएगा, ठीक है। यहाँ हमने नीचे से लिया है, देख सकते हैं आप कि मैंने नीचे से लिया है इसको, आप भी नीचे से ही लें। ऊपर से लेंगे तो हमें फोल्ड करने में दिक्कत आएगी एंड ये ठीक से भी नहीं बनेगा, इसकी लुक जो है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो आप इसको नीचे के साइड से लें और ऐसे ही इसको लीफ को लगाते रहे, और जब एंड तक इसको छोटे, ये हमने बड़ा बड़ा लगाया तो बड़े से छोटे तक जाएंगे और इसको साइज वाइज लगा लेंगे। ठीक है, ये जो हमने फोल्ड किया था ना उस फोल्ड वाली साइड से लगाएंगे, ओपन वाली साइड से नहीं लगाना हमें, हमने जो फोल्ड किया था वहां से लगाएंगे इसको। और ये इसको अब लगाते रहेंगे। अभी हम बड़ी वाली लीफ लगा रहे हैं, इसके बाद हम छोटी वाली लगाएंगे, फिर उससे छोटी, और फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट वाला ये जो तिकोना सा जो आ रहा है उस जो इसका पॉइंट है वहां पे हम इसको छोटा वाला लगाएंगे।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको मैं नीचे से ही लगा रही हूँ, ऊपर से नहीं लगा रही हूँ। ये मैंने नीचे से ही लगाया है और उसके बाद मैं इसको लगाते ही रहूंगी जब तक इसका ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसको चिपका लें, अच्छे से प्रेस कर लें, ये ग्लू से थोड़ा सा जल्दी से चिपकता नहीं है, तो इसको सूखने तक इसको ऐसे ही रख देंगे। सूखने के बाद हम इसके आगे काम करेंगे और इसको अच्छे से ही प्रेस कर लेना। बिल्कुल भी लीफ जो है हमारी तो तिरछी उरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लगना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये मैंने कम से कम 10 से 15 लीफ लगा चुकी हूँ और उसके बाद में इससे जो छोटा वाला साइज था हमारा उसको लगाएंगे। ठीक है, ये फ्लावर बनाना बहुत ही इजी है, बस इसमें क्या है कि हमारा सिर्फ लीफ काटने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और उसके बाद ये बहुत ही इजीली बन जाता है। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने नीचे से ही लगाया है इसको, और ये जिसके ऊपर वाला पॉइंट था इसको मैंने उठा लिया था और उसके बाद में इसके नीचे से ही इसको लगाते जाऊंगी। और ये यहाँ तक लगाने के बाद में इसके सामने से सामने तक ही जो हमारा इससे छोटा वाला जो लीफ था उसको लगाऊंगी, सामने से सामने तक ही लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे इसको। ठीक है, इसको सामने से सामने तक लगा लेंगे, यहाँ तक ही लगाना है, इसके आगे हमें नहीं लगाना है इसको। जो भी हमने लीफ लगाया इससे छोटा वाला जो साइज था उसको लगाएंगे यहाँ तक। ये फ्लावर जो है ये बहुत ही इजीली बनाया है मैंने, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, उससे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक इसको लगा दिया है, उसको लगाएंगे और उसको प्रेस करेंगे अच्छे से ताकि ये हिले ना नहीं बिल्कुल भी, और उसको प्रेस करते हुए अच्छे से चलेंगे एंड ये सूखने तक इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, नहीं तो ये हिल जाएगा तो इसको जो जितनी भी हमने लीव्स लगाई हैं वो सारी की सारी इधर उधर हो जाएंगी, फैल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको सूखने तक ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी यहाँ इसके सामने से, जैसे पहले लगाया था हमने सामने से सामने तक, वैसे इसके सामने से सामने तक हम इससे छोटे वाला जो साइज था उसको लगा लेंगे। अगर ये हमारी लीफ बच जाती है तो उसको एक्स्ट्रा नहीं लगाना है हमें, जहाँ हमने पॉइंट किया था वहीं तक ही लगाएंगे इसको, सामने से सामने तक लगा लेंगे एंड इसके बाद जो है इसके छोटे वाली जो लीव थी उसको लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जहां तक मैंने मार्क किया था वहां तक मैंने ग्लू लगा दिया है और इसको चिपका दिया है। वहां तक लगाने के बाद मैंने इसके आगे जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो साइज था उसको मैंने एंड तक लगाया, इसकी टिप है जो वहां तक मैंने इसको लगाया है। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं 3 4 जो लीफ हैं वो बिल्कुल मैंने नीचे वाले पॉइंट से मिला दिया है, ऊपर की साइड नहीं लगाया मैंने इसको, बिल्कुल नीचे की साइड से लगा दिया है। और ये सूखने तक मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, जब ये सूख जाएगा तब हम इसको आगे से बनाएंगे। एंड देख सकते हैं ये ऐसे बन के आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमें इसका लोटस बनाना है, तो हम इसको लोटस बनाएंगे, इसको सर्कल में मतलब रोल रोल करते हुए हम इसको लोटस बना लेंगे। अब देख सकते हैं आप, मैंने इसको घुमा दिया है ऐसे, और इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसको घुमाना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर की साइड से मुड़ जाएगा। इसको हम बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करते हुए, बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको रोल रोल करके इसको घुमा लेंगे अच्छे से। एंड देख सकते हैं ये हमारा लोटस बन के तैयार है, उसके आगे थोड़ा सा काम बाकी है, वो आप वीडियो के साथ बने रहें एंड देखिए कि हमने इसको कैसे कंप्लीट किया है फ्लावर। एंड ये फ्लावर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड इसको ग्लू से चिपका दिया है अच्छे से।
सकते हैं। यहाँ पे नीचे ग्लू लगा के मैंने इसको चिपका दिया है, और ये जो सर्कल से देख रहे हैं इस पे भी मैं ग्लू लगा के ये जो एक्स्ट्रा बचे हुए लीफ थे उनको मैं चिपका लूंगी। ठीक है, इसको घुमाते घुमाते जितना आपको शेप चाहिए उतना आप इसको घुमा सकते हैं, एंड इसको खोल देंगे तो ये और भी प्यारा लगता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया था एंड ये ऐसा बन के आया है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का वाला तैयार है, और ये मैंने नीचे जो बचा हुआ पेपर था उससे मैंने इसको सर्कल बना लिया है। एंड इसके बाद मैंने ये जो पेपर, ये जो जितने भी लीव्स बचे थे हमारे उसको मैंने टैग कर लिया है इसके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ये जो हमने साइज काटा है इस थोड़ा और बड़ा साइज काटे नीचे के लिए, एंड इसको हम नीचे के साइड पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा काटेंगे तो ये जो नीचे से वो भी भरा भरा सा लगेगा फ्लावर हमारा। तो यहाँ पे मैंने जो बचा हुआ था उसी से बनाया है, बट आपको मैं एडवाइस देती हूँ कि आप नीचे की साइड जो बना रहे हैं, ये जो मैं इस टाइम बना रही हूँ, इसको आप बड़े बड़े लीव्स काट के फिर लगाएं नीचे की साइड पे, एंड इसको ऊपर छोटे बड़े जैसे मैंने लगाया है, पहले बड़ा लगाया है फिर छोटा लगाया है फिर उससे छोटा लगाया है, वैसे ही आप भी लगाएं। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है, और ये जो लीफ है ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, बट मैंने यहाँ पे छोटे जो बचा था उसी से बनाया है। मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लगाएं, एंड इसके बाद ये नीचे की साइड से ही बिल्कुल खिला खिला सा लगेगा, और ये हमारा फ्लावर जो बन के तैयार है।